सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी स्मृति मंदाना को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब केवल 3 मुकाबलों के बाद आईपीएल 2019 का यह टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि आईपीएल की 4 सबसे मजबूत टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी हैं और अब पूरी तरीके से तैयार हैं भिड़ने के लिए फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच कुछ और खास टूर्नामेंट भी खेला जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल एक मेंस टूर्नामेंट है, ऐसे में वुमेन्स टूर्नामेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई ने वुमेन्स आईपीएल का भी आयोजन किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वुमेन्स आईपीएल में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 2 टीमों के बीच में आज मुकाबला खेला जा रहा है जो कि हैं सुपरनोवा और ट्रेल ब्लेजर। सुपरनोवा की कप्तानी संभालती हैं भारतीय क्रिकेट टीम की धुआंधार बल्लेबाज खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तानी संभालती हैं उनसे भी धाकड़ बल्लेबाज खिलाड़ी स्मृति मंदाना। इस मुकाबले की बात करी जाए अब खास तौर पर तो आपको बता दें कि सुपरनोवा की टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से स्मृति मंदाना की 90 रनों की तूफानी पारी के चलते ट्रेल ब्लेजर्स की टीम सुपरनोवा को 141 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य देने में कामयाब हो गई। इसका पीछा करने उतरी सुपरनोवा की टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही क्योंकि सलामी जोड़ी की बल्लेबाज पुनिया अपना विकेट दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही गवा बैठी थी, जिसके बाद मैदान में 2 खिलाड़ियों के बीच में और जबरदस्त पार्टनरशिप तो हुई लेकिन फिर वह भी पार्टनरशिप मैच के अंत तक नहीं टिक सकी। साथ ही दोस्तों 11वें ओवर में इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद मैदान में आकर आज हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर से अपनी बल्लेबाज सबके होश ही उड़ाकर रख दिए। दोस्तों आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर ने तो आज स्मृति मंदाना से भी तेज तर्रार रफ्तार में बल्लेबाजी करी, साथ ही इस मुकाबले को इतना ज्यादा थ्रिलर बना दिया था कि अंतिम गेंद तक भी यह बताना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। आपको बता दें कि पहले तो हरमनप्रीत कौर ने काफी ज्यादा धीमी गति से बल्लेबाजी करी परंतु फिर मैच के अंतिम पलों में उन्होंने बड़े शॉट्स लगाए और केवल 34 गेंदों का सामना करके 46 रन बना दिए थे। साथ ही अब आखिरी ओवर में सुपरनोवा की टीम को जीतने के लिए 19 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर खड़ी थी हरमनप्रीत कौर जो कि हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इसके बाद उन्होंने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर 4 चौके लगाकर इस मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। अब आखिरी गेंद पर जीतने के लिए सुपरनोवा की गेंद को केवल 3 रन बनाने थे। हरमनप्रीत कौर चाहती तो वह आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर इस मैच को टाई व सुपर ओवर में भी तब्दील कर सकती थी, परंतु यह एक धीमी गति की गेंद थी जिस पर हरमनप्रीत कौर कोई भी शॉट खेलने में पूरी तरीके से नाकाम रही। फिर जब 1 रन पूरा करने के बाद वह दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़ी तो कहीं ना कहीं वह रन आउट हो गई। उनकी 46 रनों की पारी वहीं समाप्त होकर रह गई और कुछ इसी तरीके से ट्रेल ब्लेजर्स की टीम इस मुकाबले को 2 रनों के छोटे अंतर से जीत गई। दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम ओवर इतना ज्यादा रोमांचक था कि मेंस के मुकाबले में भी इतना ज्यादा रोमांचक ओवर नहीं देखा गया। लेकिन तारीफ करनी होगी स्मृति मंदाना की क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 90 रन लगाए उससे कहीं ना कहीं सारे देश को उन पर काफी ज्यादा गर्व है। लेकिन आप सभी स्मृति मंदाना की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। गेंदबाजी करने मैदान पर उतरी सुपरनोवा की शुरुआत भी काफी ज्यादा जोरदार रही क्योंकि आपको बता दें कि पारी के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही अनुजा पाटिल जो कि ट्रेल ब्लेजर्स की सलामी जोड़ी की बल्लेबाज थी वह कैच आउट हो गई और उनकी सलामी जोड़ी वहीं टूट गई। लेकिन इसके बाद तो ट्रेल ब्लेजर्स टीम के कप्तान स्मृति मंदाना ने मैदान पर आकर कुछ ऐसी बल्लेबाजी कर दी कि आज सबको महेंद्र सिंह धोनी तक की याद आ गई। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेल ब्लेजर्स का पहला विकेट गिरने के बाद स्मृति मंदाना ने मैदान पर आकर खिलाड़ी हरलीन दियोल के साथ कुछ ऐसी पार्टनरशिप जुटाई कि वह तो आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के दूसरे ओवर में विकेट गिरने के बाद अगला विकेट ट्रेल ब्लेजर्स का पारी के 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर जाकर गिरा। यह विकेट था हरलीन दियोल का जो कि 44 गेंदें खेलकर अपनी पारी में 36 रन लगा चुकी थी। लेकिन स्मृति मंदाना अभी भी मैदान पर मौजूद थी और वह क्रीज के एक छोर से बड़े शॉट्स लगा रही थी। आपको बता दें कि इस खबर तक 66 गेंदों का सामना करते हुए स्मृति मंदाना ने अपनी पारी में 90 रन लगा दिए थे। इस दौरान 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी पारी में 3 छक्के तो वही 9 जोरदार चौके भी जड़े थे। स्मृति मंदाना की इतनी तूफानी पारी को देखते हुए सबको मैदान में यही लग रहा था कि वह अपना शतक भी पूरा कर लेंगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पारी के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर स्मृति मंदाना ने चौका जरूर जड़ दिया था लेकिन अब वह अपना शतक लगाने के चक्कर में जब दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने लगी तो उनकी पारी 90 रनों पर समाप्त होकर रह गई। वह कैच आउट हो गई और अपनी इस तूफानी पारी में उन्होंने 10 चौके और वहीं 3 छक्के भी लगाए। इसके बाद तो ट्रेल ब्लेजर्स के बाकी बल्लेबाज बुरी तरीके से धाराशाही हो गए और पूरी टीम 140 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना पाई। दोस्तों इतने बड़े लक्ष्य में स्मृति मंदाना के 67 गेंदों में 90 रन भी हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे से ज्यादा रन तो स्मृति
मंदाना ने ही बनाए हैं। साथ ही 67 गेंदों में 90 रनों की पारी तो बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं खेल पाते, लेकिन T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में जिस तरीके से स्मृति मंदाना ने यह तूफानी पारी खेल के दिखाई है, उसके बाद तो सारे देश में ही उनकी तारीफ की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि फैंस ने तो उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से भी करनी शुरू कर दी है और कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने भी उनकी जमकर तारीफ करी और गावस्कर ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इनकी पारी देखते हुए मुझे तो मैदान में जैसे महेंद्र सिंह धोनी की ही याद आ गई। लेकिन दोस्तों स्मृति मंदाना की इतनी तूफानी पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।